दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन चल रहा है या अपराधियों का आंदोलन, ये सवाल हम नहीं पूछ रहे हैं बल्कि ये सवाल पूछ रही है देश की जनता। किसान आंदोलन स्थल कुंडली में सिंघू बॉर्डर पर लखबीर सिंह नामक एक शख्स की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। निहंग सिखों ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। मृतक लखबीर सिंह का हाथ और पैर काट कर उसकी लाश को लटका दिया गया। इस घटना ने देश के लोगों को विचलित कर दिया है। लखबीर सिंह के अंतिम वीडियो ने तो लोगों के दिलों को दहला दिया है, क्योंकि वो वीडियो काफी विचलित करने वाला है। हम आपको वो वीडियो नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन हम आपको उस वीडियो का ऑडियो सुनाते हैं जिसने देश को हिला कर रख दिया है। आप भी सुनिए ये ऑडियो। सुना आपने ये ऑडियो? इस ऑडियो में आप मृतक लखबीर सिंह की आवाज सुन सकते हैं, जिसमें वो कहता है कि उसे बस 2 मिनट के लिए नीचे उतार दिया जाए। मृतक लखबीर सिंह कहता है कि मेरी इच्छा पूरी करो। मृतक लखबीर सिंह कहता है कि मेरी इच्छा पूरी करो, 2 मिनट के लिए मुझे नीचे उतार दो। इस पर उसे मारने वाले उसे पूछते हैं कि क्या है तेरी इच्छा। मृतक लखबीर सिंह कहता है कि बोल तो रहा हूँ, मुझे नीचे उतार दो। इस पर आरोपित कहते हैं कि गंदे आदमियों के साथ घूमता है तू, जूते पड़ेंगे तो तुझे अकल आएगी, सही बता दे कौन आदमी थे। मृतक लखबीर कहता है कि बताता हूँ, मुझे नीचे उतार दो, मैं आपकी बात करवा देता हूँ, मुझे नीचे उतार दो। इस पर निहंग सिख जवाब देते हैं कि तब नीचे उतारेंगे जब तू असली आदमी का नाम बताएगा। मृतक लखबीर रोते हुए कहता है कि मुझे नीचे उतार दो, मैं बात कराता हूँ। इस पर सामने से कोई कहता है कि देख तुझे ऐसे ही लटकाएंगे जब तक तुझ में सांस बाकी है। आपको बता दें कि इस ऑडियो से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि निहंग सिखों ने मृतक लखबीर के साथ कैसी बर्बरता की है। हालांकि इस ऑडियो की पुष्टि फिलहाल हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन बताया यही जा रहा है कि ये ऑडियो मृतक लखबीर सिंह की अंतिम क्षणों में आरोपितों से बातचीत के दौरान की है। आपको बता दें कि मृतक लखबीर सिंह दलित समुदाय का था। वो पंजाब के तरन तारण जिले के चीमा खुर्द का रहने वाला था। वो मजदूरी कर अपना पेट पालता था। मृतक लखबीर सिंह की उम्र 35 साल के आसपास थी। जब लखबीर सिंह 6 महीने का था, तब उसे हरनाम सिंह नाम के एक व्यक्ति ने गोद लिया था। बताया जाता है कि हरनाम लखबीर के फूफा है। मृतक लखबीर सिंह के असली पिता का नाम दर्शन सिंह था। उसकी बहन का नाम राजकौर है। मृतक लखबीर सिंह शादीशुदा था। उसकी पत्नी जसप्रीत उसके साथ नहीं रहती थी। उनके 3 बेटियां भी हैं। आपको बता दें कि पहले 26 जनवरी को दिल्ली के लाल किले पर हुई हिंसा, फिर किसान आंदोलन स्थल पर एक महिला के साथ रेप और लखीमपुर केस के बाद अब इस कांड ने किसान आंदोलन पर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। पिछले 6 महीने में किसान आंदोलन के जरिए अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है, उससे जनता का किसान आंदोलन से विश्वास उठता जा रहा है। आपसे अनुरोध है कि आप इस खबर को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, साथ ही नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए, क्योंकि आपकी राय सबसे अहम है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए VFN न्यूज।